वेलकम बैक बच्चों, हम लोग लॉजिक पढ़ रहे थे, कंपाउंड स्टेटमेंट्स देख लिए। अब आज हम लोग जो कंसेप्ट देखने जा रहे हैं उस कंसेप्ट का नाम है ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो सिंपल स्टेटमेंट्स है उनकी ट्रुथ वैल्यू या तो टी होती है या तो एफ होती है। अगर वो ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू टी है, अगर वो एफ है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू एफ है। ये हम लोग हमारी नॉलेज के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है स्काई इज ब्लू, तो ऑफ कोर्स वी नो दैट स्काई इज ब्लू, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू टी होंगी। लेकिन अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनता कैसे है, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके। तो सपोज एक कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। जैसे अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो अब पॉसिबिलिटी यह है कि वो जो दोनों कनेक्टिंग सिंपल स्टेटमेंट्स है उनकी ट्रुथ वैल्यू या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, पहला वाला फॉल्स दूसरा वाला ट्रू, या तो दोनों के दोनों फॉल्स। ये चार पॉसिबिलिटीज है अगर सिर्फ दो ही सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, तो ये जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स है इनके पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज चार तरीके से हो सकती है। ठीक है, वही हम लोग यहां पे देखते हैं। जैसे सपोज P एंड Q ये दो सिंपल स्टेटमेंट है और उनका कंपाउंड स्टेटमेंट बना है, उनका कंजंक्शन बना है यूजिंग एंड, विद द हेल्प ऑफ एंड उन दोनों को कंबाइन किया है और उसका कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया। अब उसकी अगर मेरे को ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी, तो पहले सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। पी और क्यू के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ट्रू हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पी तो ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स है। तीसरी पॉसिबिलिटी उल्टा हो सकता है, पी तो फॉल्स है लेकिन क्यू ट्रू है, या तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ये चार पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, उल्टा और दोनों फॉल्स। तो इनके कुछ सर्टन सेट ऑफ रूल्स है हर एक टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए, फिक्स सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स अभी हम देखेंगे। तो कंजंक्शन के लिए रूल क्या है, कंजंक्शन के लिए रूल आप नोट कर लो। कंजंक्शन में ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, रेस्ट ऑल केसेस आर फॉल्स। पी और क्यू दोनों ट्रू है तो उसका जो कंजंक्शन बनेगा वो भी ट्रू रहेगा। दोनों में से एक भी फॉल्स है या दोनों के दोनों फॉल्स है तो इट इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो इट इज फॉल्स, और दोनों फॉल्स है तभी भी फॉल्स। तो कंजंक्शन के लिए रूल ध्यान में रखना, कंजंक्शन में अगर P और Q दोनों ट्रू है तभी उसका कंजंक्शन ट्रू आएगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिसजंक्शन। डिसजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए रूल क्या है बच्चों, डिसजंक्शन का रूल लिख लो। डिसजंक्शन में फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, दोनों फॉल्स रहेंगे तभी उसका डिसजंक्शन फॉल्स आएगा। दोनों में से एक भी ट्रू है या दोनों के दोनों ट्रू है तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रू। तो डिसजंक्शन का रूल क्या है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल केसेस आर ट्रू। फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल केसेस आर ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू है तो इट इज ट्रू। ठीक है, थर्ड इंप्लीकेशन देखते हैं। इंप्लीकेशन इफ देन वाला इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन के लिए रूल क्या है बच्चों, देखो इंप्लीकेशन का रूल नोट डाउन कर लो आप। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल केसेस आर ट्रू। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल केसेस आर ट्रू। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल केसेस आर ट्रू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, इसके डिटेल्स निकालने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों होता है। इंप्लीकेशन में ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन सबसे सिंपल है, डबल इंप्लीकेशन का रूल भी बहुत सिंपल है। दोनों की ट्रुथ वैल्यू अगर सेम है, पी और क्यू दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है तो इट इज ट्रू, और अलग अलग है तो फॉल्स। जैसे यहां पर देखो फर्स्ट केस दोनों ट्रू है तो उसका जो डबल इंप्लीकेशन है वो ट्रू आएगा, दोनों अलग अलग है तो फॉल्स, दोनों अलग अलग है फॉल्स,
अब ये फिर से दोनों सेम है, दोनों फॉल्स फॉल्स है, तो इट इज अगेन ट्रू। तो ये डबल इंप्लीकेशन का, डबल इंप्लीकेशन की ट्रूथ वैल्यू का रूल क्या है बच्चों, दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू, दोनों अलग अलग रहेंगे तो फॉल्स। ठीक है, और लास्टली क्या बचा, नेगेशन। नेगेशन को हम लोगों को पता है कि नेगेशन के लिए दो स्टेटमेंट्स की जरूरत ही नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट का भी नेगेशन निकाल सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। तो अगर वो ट्रू है तो उसका नेगेशन इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो उसका नेगेशन इज ट्रू। तो नेगेशन इज सिंपली जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये पांच टाइप के हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट देखे थे और उन सारे के रूल्स देख लिए। एक बार फास्ट में रिवाइज करते हैं। कंजंक्शन का रूल क्या है, टू एंड टू इज ट्रू, रेस्ट ऑल आर फॉल्स। डिसजंक्शन का रूल क्या है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू। इंप्लीकेशन का रूल क्या है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू। डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या है, दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू, दोनों अलग अलग रहेंगे तो फॉल्स। नेगेशन का रूल क्या है, अपोजिट, ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू। तो ये पांच कंपाउंड स्टेटमेंट, पांच रूल्स, इसको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। ये बोर्ड का एक कंपलसरी क्वेश्चन है, तुम लोगों को आएगा कि राइट द ट्रूथ वैल्यू, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लो, आई एम 110% श्योर कि इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसे अच्छे से लर्न करो, इसका एक चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो, इसको बाय हार्ट करना है आप लोगों को। तो ट्रूथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब कोई भी कंसेप्ट अगर पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। तो अब ये जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके जो रूल्स देखे हैं हम लोगों ने, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं देखते हैं। तो पहला जो टाइप है उसमें क्या होगा, हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट विल बी गिवन, हमें उसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू तो बता ली, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू के लिए जो रूल्स है वो रूल्स सीख लिए, अब उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू के रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। पहला कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है देखो, 3 इज अ प्राइम नंबर और 4 इज अ रैशनल नंबर, बीच में और है, ऑफकोर्स इट इज अ डिसजंक्शन। पहले दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग करते हैं, और के पहले ये जो स्टेटमेंट दिया है सिंपल स्टेटमेंट, इसको पी कंसिडर करते हैं। पी, 3 इज अ प्राइम नंबर, पहला स्टेटमेंट 3 इज अ प्राइम नंबर, उसको पी कंसिडर किया। दूसरा जो स्टेटमेंट है 4 इज अ रैशनल नंबर, 4 इज अ रैशनल नंबर, इसको क्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंपल स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। 3 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पता है सबको, प्राइम नंबर क्या होता है, जो और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 3 इज ऑफ कोर्स अ प्राइम नंबर, तो दिस इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पी इज टी। ठीक है, 4 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 इज नथिंग बट 4/1, इट इज अ रैशनल नंबर, ये भी ट्रू है। तो पी और क्यू, ये हमारे नॉलेज के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। बीच में क्या है, और, तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी और क्यू, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसका सिंबॉलिक फॉर्म है पी और क्यू। पी की वैल्यू क्या है बच्चों, ट्रू, पी इज ट्रू। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी, तो ये भी टी है। डिसजंक्शन के लिए रूल क्या होता है बच्चों, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू, तो यहां पे दोनों भी ट्रू है, तो इसका जो डिसजंक्शन है ये भी ट्रू है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे कहते हैं क्वेश्चंस, पहले क्या करना है, स्टेटमेंट्स को, कंपाउंड स्टेटमेंट के जो सिंपल सिंपल पार्ट्स है, जो सिंपल स्टेटमेंट्स है, उनको सेपरेट आउट करना है, उनकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, जो हमने ऑलरेडी एक लेक्चर पहले हम लोगों ने सीखा था कि सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद वो स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू पुट करनी है, वो स्टेटमेंट की एक बार ट्रुथ वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर रूल्स हमें पता ही है, वो रूल्स यूज करके हम लोग आगे की ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे। तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे लर्न कर लो एकदम अच्छे से। ठीक है, अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं अपना कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क इज व्हाइट, ये क्या होता है, इसको रीड कैसे करते हैं, आई डबल एफ को, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ को रीड कैसे करते हैं, इफ एंड ओनली इफ,
जो डबल इंप्लीकेशन में होता है ना, इफ एंड ओनली इफ बीच में, उसको आई डबल एफ लिखता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है इफ एंड ओनली इफ का। सन राइजेज इन वेस्ट, तो ये तो पता चल गया डबल इंप्लीकेशन है। इसमें सिंपल स्टेटमेंट क्या क्या, पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या है, मिल्क इज व्हाइट। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट क्या है, सन राइजेज इन वेस्ट। तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, इनकी ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं। मिल्क इज व्हाइट, ट्रू है फॉल्स है, ऑफकोर्स ट्रू है, मिल्क इज व्हाइट ट्रू। सन राइजेज इन द वेस्ट, ये ट्रू है या फॉल्स है बच्चों? बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज सन राइजेज इन ईस्ट, यहां पे दिया है सन राइजेज इन वेस्ट, सो दिस इज फॉल्स। तो इनकी ट्रूथ वैल्यूज हो गए। इसका सिंबॉलिक फॉर्म इफ एंड ओनली इफ किसके लिए होता है बच्चों? इट इज फॉर डबल इंप्लीकेशन, दिस इज फॉर डबल इंप्लीकेशन, दिस इज पी डबल इंप्लाइज क्यू। पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है बच्चों? ट्रू। क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या है बच्चों? अगर दोनों सेम रहेंगे, पी और क्यू दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम रहेंगी तो इट इज ट्रू, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज अलग अलग रहेंगी तो इट इज फॉल्स। यहां पर दोनों अलग अलग है तो हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट जब दिया होगा तब उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालने के दो एग्जांपल्स। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वो इस टाइप का है। ठीक है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ये वो ऐसे ही टाइप के। सबसे पहले क्या करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट में से सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स अलग करने हैं। सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं, फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में वो ट्रूथ वैल्यूज पुट करनी है और हमारे रूल्स की जो नॉलेज है वो रूल्स की नॉलेज से हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फाइंड कर सकते। तो ट्रूथ वैल्यूज के जो ट्रूथ वैल्यूज है, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, उसका फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया कि कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं जब एक कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन होगा। अब थोड़ा उससे इजी लेवल पे है। इजी लेवल पे क्या है कि हम लोगों को जो सिंपल स्टेटमेंट्स है उनकी ट्रूथ वैल्यू रेडीमेड दी गई है, जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो दिया गया है, हमें सिर्फ ट्रूथ वैल्यू बतानी है। ठीक है, जब हमें कंपाउंड स्टेटमेंट देते हैं तो पहले उसमें सिंप्लीफाइड जो स्टेटमेंट है वो ढूंढना है, उनकी ट्रूथ वैल्यूज ढूंढनी है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद वो सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रूथ वैल्यूज पुट करके उसके बाद हम लोग ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के। बट अब क्या है, हमें ट्रूथ वैल्यूज रेडीमेड दी गई है, सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, हमें सिर्फ उसमें ट्रूथ वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ वैल्यूज के जो रूल है, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ पी एंड क्यू, इफ पी एंड क्यू आर ट्रू, ये दो सिंपल स्टेटमेंट है जो ट्रू है, और दो सिंपल स्टेटमेंट है आर एंड एस, दीज आर फॉल्स। ठीक है, क्या दिया बच्चों, ध्यान दो, पी एंड क्यू आर ट्रू, R and S are false. टोटल चार स्टेटमेंट है, इसमें से दो स्टेटमेंट ट्रू है, दो स्टेटमेंट फॉल्स है। कौन से दो ट्रू है? P और Q ट्रू है, R और S फॉल्स है। तो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी, तो पहला कंपाउंड स्टेटमेंट क्या दिया है, P implies in bracket Q and negation R. P implies in bracket Q and negation R. तो सर पहले लिख लेते हैं, P और Q क्या है बच्चों? ट्रू। R क्या है? फॉल्स। ऐसे यहां पे दिया ही नहीं है, तो पहले ये जो नेगेशन ऑफ F है इसको सॉल्व कर लेते। नेगेशन ऑफ F क्या आता है? नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। नेगेशन में क्या करते हैं? अपोजिट, फॉल्स रहेगा तो ट्रू, ट्रू रहेगा तो फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स विल बी ट्रू। तो ये आ गया, बाकी सब एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट। अब यहां पे क्या है, ट्रू एंड ट्रू, कंजंक्शन का ट्रूथ वैल्यू बच्चों, कंजंक्शन का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, रेस्ट ऑल आर फॉल्स। एंड में रूल क्या है? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, रेस्ट ऑल आर फॉल्स। तो ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। अब ये ट्रू इंप्लाइज ट्रू है, ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या होता है बच्चों? इंप्लीकेशन का रूल, इंप्लीकेशन का रूल क्या है? ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू। तो यहां पर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है क्या? नहीं, यहां पर तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू है, तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू है तो ऑफकोर्स इट शुड बी ट्रू। तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, समझ में?
ट्रूथ वैल्यूज सिंपल स्टेटमेंट की रेडीमेड दी है, सिंप्लीफाइड वैल्यूज भी दी है, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है. सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, ट्रूथ वैल्यूज दिए, हमें सिर्फ उसके अंदर पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर. सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया. नेगेशन इन ब्रैकेट, अगेन अ ब्रैकेट, नेगेशन पी एंड आर, और एस इंप्लाइज नेगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज, डबल इंप्लाइज पी एंड आर, ये दिया हुआ. सारी ट्रूथ वैल्यूज पुट कर लेते. ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या, पी और क्यू ट्रू है, आर और एस फॉल्स है. जहां पे भी पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू पी, ये तीन वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू ट्रू एंड ट्रू. जहां पे भी आर और एस है वो फॉल्स है, आर फॉल्स, एस फॉल्स, आर फॉल्स. ट्रूथ वैल्यूज पुट कर ली. अब ब्रैकेट के अंदर के जितने भी नेगेशन है उनको सॉल्व करते हैं. नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है बच्चों, नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, सो दिस वैल्यू विल बी फॉल्स. नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, ठीक है, बस ये दो ही नेगेशन है इसके अंदर. नेगेशन ऑफ दिस ट्रू इज फॉल्स, नेगेशन ऑफ दिस ट्रू इज फॉल्स, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है, एज इट इज कॉपी पेस्ट. नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स एंड फॉल्स एज इट इज, और फॉल्स एज इट इज इंप्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज डबल इंप्लाइज ट्रू एंड फॉल्स. अब ये जो सिंगल सिंगल ब्रैकेट्स है, सिंगल सिंगल ब्रैकेट्स है अंदर, छोटे छोटे ब्रैकेट्स, एक दो और तीन, ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं बच्चों, ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. फॉल्स एंड फॉल्सेस, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्सेस फॉल्स. कंजंक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, दोनों में से एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, या फिर दोनों के दोनों फॉल्स है तो इट इज फॉल्स. ये वाले ब्रैकेट में इंप्लीकेशन का रूल, इंप्लीकेशन का रूल क्या है बच्चों, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, रेस्ट ऑल आर ट्रू. तो यहां पे ट्रू इंप्लाइज फॉल्स नहीं, यहां पे फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स है, दिस शुड बी ट्रू. उसके बाद एंड, फिर से एंड में एक भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो ये इसकी वैल्यू फॉल्स, इसकी वैल्यू ट्रू, इसकी वैल्यू फॉल्स. अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. यहां पे क्या है बच्चों, डिसजंक्शन, ये ब्रैकेट सॉल्व करना. अभी डिसजंक्शन का रूल क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द रूल फॉर डिसजंक्शन, दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू. यहां पे एक ट्रू है, सो दिस वैल्यू विल बी ट्रू. अब इसका नेगेशन है, इसका नेगेशन है, ये एज इट इज लिखा हुआ है. नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, तो ये फॉल्स बन गया, डबल इंप्लाइज ये फॉल्स एज इट इज. डबल इंप्लीकेशन के लिए रूल क्या होता है बच्चों, डबल इंप्लीकेशन के लिए रूल, दोनों सेम रहेंगे तो ट्रू, दोनों अलग अलग रहेंगे तो फॉल्स. तो यहां पे दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया. ठीक है, ये टेस्ट बुक में जो मैक्सिमम सबसे लंबा क्वेश्चन था मैंने वो ही लिया है, इससे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट बुक में दिया नहीं है. एक्सरसाइज 1.1 का जो फोर्थ सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन है. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के रूल्स. ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, उसको सिंपल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना, सिंबॉलिक फॉर्म पुट करना, वैल्यूज पुट करना, और उसके बाद. और ये दूसरा टाइप जो है, इसके अंदर ट्रूथ वैल्यू पहले से दी है, सिंबॉलिक फॉर्म पहले से दिया हुआ, वैल्यूज पुट करके हम लोगों को सिर्फ रूल्स अप्लाई करने. ये टाइप के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, इनमें ज्यादा ही स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें कंपाउंड स्टेटमेंट दिया तो छोटा दिया होता है, लेकिन उसमें भी उतना ही काम है जितना काम इसमें. तो ये थर्ड और फोर्थ सेक्शन अगर आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे. ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है लॉजिक, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सबसे ईजी टॉपिक है तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस का. ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ सेक्शन पहले ही सॉल्व कर लिया 1.1 का. अब हम थर्ड और फोर्थ सेक्शन के लिए रेडी है. तो थर्ड और फोर्थ सेक्शन खत्म कर लो, आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई है. मैथमेटिकल लॉजिक का एक बहुत बड़ा पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया है. ठीक है, और यहां तक एकदम सब कुछ बहुत ईजी जा रहा है, आगे भी ईजी है. तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अगर मेरी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आई एम देयर टू हेल्प यू. तो थैंक यू एंड नेवर बी द सेम, ऑलवेज बी बेटर.